हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन यूथ। हमारे इंडियन यूथ के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एक 18 साल के बच्चे ने दुनिया की सबसे लाइट वेट सैटेलाइट बनाई है। तो आइए चलिए हम देखते हैं इस सैटेलाइट के बारे में। ये सैटेलाइट जो आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, ये हमारे 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने बनाई है, जिनका नाम रिफात शाहरुख है, जिन्होंने वर्ल्ड लाइटेस्ट सैटेलाइट बनाई है, जिसका वेट है 64 ग्राम, ओनली 64 ग्राम। और इस सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट, इस सैटेलाइट का नाम इन्होंने रखा है, जिसे अभी हाल ही में नासा 21 जून 2017 को लॉन्च करने वाला है। रिफात शाहरुख एक साउथ इंडियन स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी नासा के द्वारा हुए कंपटीशन क्यूब्स इन स्पेस और आई डूडल लर्निंग में इस कंपटीशन में इन्होंने पार्ट लिया था। ये इंडियन टीन स्टूडेंट हैं जिन्हें नासा जिनके एक्सपेरिमेंट को लॉन्च करने वाला है। ये आपको दिखाई दे रही है। द मेन चैलेंज वॉज टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू बी फ्लोन टू स्पेस विच विल फिट इन टू अ 4 मीटर क्यूब वेटेड एग्जैक्टली 64 ग्राम। 4 मीटर क्यूब में इस 64 ग्राम की सेटेलाइट को बनाने का एक मेजर चैलेंज था। द सेटेलाइट इज मेड मेनली ऑफ रेनफोर्स कार्बन फाइबर पॉलीमर। The 18-year-old has designed the lightweight satellite, which will have 240-minute mission. इस satellite का mission सिर्फ 240 minutes का है। इस satellite का नाम कलाम सेट हमारे President APJ Dr. APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। शाहरुख एक तमिलनाडु के पालापट्टी जगह से belong करते हैं। एवरेज सेटेलाइट जिसका वेट हम जानते हैं कि एग्जैक्टली 300 kgs होता है, लेकिन इस सेटेलाइट का वेट सिर्फ 64 ग्राम है, जो कि हमारे रिफात शाहरुख नाम के 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने इन्हें बड़े ही चैलेंजिंग तरह से डिजाइन किया है। द मेन रोल ऑफ द सेटेलाइट विल बी टू डेमोन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर इन अ माइक्रोग्रेविटी एनवायरमेंट ऑफ स्पेस। माइक्रोग्रेविटी एनवायरमेंट वो होता है जहाँ पे ग्रेविटी टोटल पूरी तरह से जीरो नहीं होती है, कुछ ग्रेविटी होता है, जिसे माइक्रोग्रेविटी एनवायरमेंट ऑफ स्पेस कहा जाता है। वेल, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। वी थिंक देयर इज अ लॉट कमिंग आउट ऑफ इन फ्यूचर एज वी इंडियंस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। डू यू एग्री? देन शेयर दिस वीडियो फॉर मोटिवेटिंग अदर्स। थैंक यू।